हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपका दुनिया की खुशियाँ नसीब फरमाए। तो आज हम बाहर जा रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स का मसला था, तो डॉक्यूमेंट्स के मसले से बाहर गए थे। तो सब भी पूरी फैमिली साथ में गई थी। ये आ गया कि आप देख रहे होंगे कि आलिया और उसके पापा और सलमान जा रहे हैं, तो मैं पीछे पीछे इनकी वीडियो बना रही थी। तो ये जी बहुत ही अच्छा शहर है ये, ऊपर और ये सामने भी आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ये बिल्कुल आमने सामने, यानी कि दोनों साइडों पे हमारे पहाड़ थे, और सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है इसके अंदर कस्तूरा था। आप कस्तूरे में कुछ काम के सिलसिले में गए थे। तो जैसे ही हमारा काम ख़त्म हुआ तो आलिया ने कह दिया कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तो हमने सोचा कि आलिया को शॉपिंग की तरफ लेके चलते हैं। तो ये रास्ते में एक स्टेशनरी की दुकान आई थी, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये इधर जो है ना बहुत बड़ी मार्केट है, बच्चों के स्कूल के लिए बहुत अच्छी मार्केट है। तो ये स्टेशनरी की दुकान थी, तो आलिया ने ज़िद करनी शुरू कर दी थी, हाँ जी मामा मुझे अंदर जाना है। तो हमने बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना इसको इधर से जो है ना वो लेके गए थे। तो इधर बहुत ज़्यादा लोग खड़े थे क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। इसके अंदर जाना का मतलब यही था कि टाइम वेस्ट करने का, टाइम वेस्ट ही करना था हमने। तो ये जी अभी हम चलते 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 जा रहे हैं जी, जा रहे हैं, और साथ साथ मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी, अराउंड काल जो है ना -3 पे था दर्जा हरारत, और इतनी ठंड थी कि कुछ ना पूछे। पर फिर भी जैसे बच्चे ज़िद कर लेते हैं तो फिर उनकी ज़िद तो पूरी करनी होती है। तो इसने ये फैसला किया, वाला जी मैंने जाने ही जाना है। तो मैंने कहा चलें जी, आज इसका भी काम ख़त्म करते हैं। और ये मैं गुजर रही थी तो ये मैंने ज्वेलरी देखी, तो मैंने कहा आपके साथ भी कोई एंटीक सी ज्वेलरी आपको दिखा दूँ। ये स्टोन जो है ना ये स्पेशल जो होते हैं वो वाले स्टोन है जी। और इधर जो है ना मार्केट में एंटर हो गए हैं जी, मार्केट है, मार्केट का नाम है टाइगर। तो ये जी मैडम साहिबा जो है ना वो अपने पसंद की चीज़ें देख रही थी, और मैं ये देख रही थी। ये लकड़ी का सामान बना हुआ था, बहुत ही अच्छा सामान था इस मार्केट में, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन जी मेरे हस्बैंड साहब ने कहा जी कुछ भी नहीं ले सकती। मैंने कहा जी हुक्म। तो ये जी आलिया मैडम जो है अभी अपनी चीज़ें देखती जा रही हैं, इनको मैडम साहब का कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही। तो कुछ देखते हैं चीज़ें अभी हाँ इनको क्या पसंद आता खाने का भी बड़ा है। सामान देखिए हाँ मैंने सारे जो देखे है ना ये गुजरती जा रही है, मैडम साहब हाँ को कुछ नुकसान आ रहा जो काटने वाले कुछ रहते वो हैं अभी उसके चली बहुत गई चीज़ें पड़ी थी, लेकिन इनको कुछ नुकसान ये आया देखे था। तो आखिरकार इनको जो पसंद आया आइसक्रीम था बनाने वाले मैंने भी आ गए आइसक्रीम का डब्बा देखा तो मुझे नहीं मिला। या उसको क्या करना है अपने तो बनी को आखिरकार आलिया को बनी पसंद आ गया जी, ये बनी लेने लगी थी कि नहीं बनी बनी को लगी क्या थी करना ये है भी आपने ला इधर दी रखो मुझे वापस ये बनी चाहिए। और साथ में बना कुछ चिकन ये कड़ी देखो मुझे भी थी, छोटे ये छोटे देखो छोटे छोटे वो छोटे चिकन पीस भी थे। चूजे तो ये ये लेने लगी लानी मुझे है ये भी नहीं लेने नहीं हैं, तो एक चीज हमने लेनी है सोचा जो कि मर्जी यही ले लो लेने मामा क्योंकि मुझे क्या अपने घर आते ही तोड़ लेने हैं। तो बस ये जो है ना जिद भी थी और इसके पापा भी साथ में और मैं भी, हम कह रहे थे कि नहीं लेंगे ये कड़ी देखी लेनी है। तो फिर हमने आपको आगे जो है ना इसका बहुत ही अच्छी सी एक प्यारी चीज़ प्यारी ला के दी चीजें है, बनी वो बहुत ही अच्छी वो बनी हुई थी डेकोरेशन के पीस। अभी आप देखेंगे वो अरे ग्रीन उससे कलर तो का अच्छा ये था नीचे चिकन उन्होंने घास लगाई है, ऊपर उन्होंने पहले हैं वो रखे हैं, अंडे रखे पहले हैं। तो बहुत अच्छा बना हुआ था एज ए डेकोरेशन भी है, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं उसको देख के। तो वो वाला हमने लिया, अरे ये देखो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी ना, दिल कर रहा था हर चीज़ उठा रहे। तो क्या करें, मजबूरी है, लाके जितना काम किधर किधर रखे हैं। ये तो देखिए जी हमने काले का ले लिया था, आप जी चलते जा रहे हैं। ये तभी मैडम साहब आ गए जो है ना, देखिए कभी कुछ पसंद आ गया साइड कभी पे कुछ भी पसंद आ गया। तो ये कमाल की है, हमें ले के जाना है इनको ना, तो कहते हैं बहुत हमारे ये लिए भी बारी होती है। तो बस देखिए आप इंजॉय करें, देखें कि ये मार्केट जो है ना ये मार्केट बिल्कुल सिर्फ बच्चों के लिए है। इधर बच्चों के खिलौने वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है, मुनासिब रेट भी होते हैं और हर चीज़ मिल भी जाती है। मेन बात होती है कि हर किस्म के खिलौने, बच्चों की स्टेशनरी का सामान और खाने पीने का सामान, बच्चों का हर चीज़ इस मार्केट में मिल जाती है। तो बस अभी लेते जा रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आ गई थी मैडम आलिया को, और मैंने और सलमान ने तो कुछ नहीं खरीदा था, सिर्फ आलिया का सामान आया था इधर से जी। तो जब इधर से मैंने सिर्फ अपनी मैंने अपने खाने के लिए एक लिए थे पैकेट लिया था एक खाने का, तो वो बहुत अच्छी स्नैक्स बने हुए थे, मैंने वो लिए थे बस। तो ये आलिया मैडम ने जैसे शलाइम भी ले ली थी, जिद लगाई थी कि मैंने शलाइम लेने हैं, ये शलाइम लेके आई हैं। और अभी तक आपने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की, उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, फिर बनाएंगे उससे कुछ, फिर आपको दिखाएंगे।
तो ये बड़े ही खूबसूरत दराज बने हुए थे ज्वेलरी के लिए, लेकिन मैंने लेके क्या करने थे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी कुछ है पड़ा हुआ, क्योंकि मुझे ज्वेलरी वगैरह का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम लेती हूँ। तो ये आलिया मैडम ने वैलेंटाइन डे का दिल उठा लिया था जो हमें नहीं चाहिए था क्योंकि इसके बिल बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने इसको कहा जी छोड़ो मैडम साहिबा वाला आगे आगे चले, ये आ गया था जी मेकअप का सामान, इधर थोड़ा बहुत होता है तो वो जो पाउच में रखने वाला था वो वाला आ गया था, वो वाला सामान, ये सारा वॉशरूम का सामान और शेविंग वगैरह का सामान, ये सारा सामान आ गया था इधर। तो आगे ये देखेंगे ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, ये ज़्यादा ये ज़्यादा सारा वॉशरूम का सामान था, ये सारे फ़ोटो फ्रेम थे। तो आलिया मैडम को भी एक पसंद आया था लेकिन मैंने उसको लेने नहीं था दिया। तो इधर सारी लाइटिंग लगी हुई थी, ये सारी हर किस्म की लाइटिंग पड़ी हुई थी इस मार्केट में, ये हैंगर्स वगैरह लगे हुए थे और ये सारा लकड़ी का सामान बना हुआ था, बड़े ही प्यारा सामान था ये वाला, मैं लेके भी आई थी एक। और ये किचन का सामान आ गया था सारा, देखिए बहुत अच्छा अच्छा सामान था, दिल कर रहा था कि बस उठाते जाओ उठाते जाओ, लेकिन क्या करना था इतना सामान। इधर जो है ना मैंने स्पेशल किस्म के बर्तन देखे थे, वो जो पहले दौर में इस्तेमाल होते थे उनको क्या बोलते थे, स्टील के बर्तन, स्टील के नहीं वो पित्तल के बर्तन, उस तरह के बर्तन बने हुए थे, बहुत ही अच्छे ना मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि फिर उनको धोने का मसला और इस तरह बला बला बला, वो डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए थे। हाँ जी ये वाले बर्तन थे, ये डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे थे लेकिन मैंने नहीं लिए, मैंने कहा मैंने लेके क्या करने हैं इनको, ये सिर फाड़ने के लिए तो काफ़ी अच्छे थे लेकिन हमारी फाइटिंग नहीं होती वरना हम ले। तो ये जा रहे थे जी, ये जा रहे थे जी, आलिया मैडम को बहुत बहुत गंदी गंदी चीज़ें पसंद आ रही थी और ये खरीदती जा रही है खरीदती जा रही है, बस मुझे ये भी ला दो ये भी ला दो। तो इधर मुझे जो है ना भूख लगी है जी और मैंने उठाए अपने लिए स्नैक्स, मेरे सबसे फेवरेट स्नैक्स हैं जी ये। तो ये जी जब मार्केट से बाहर निकले तो सामने एक वैलेंटाइन डे वाली शॉप थी, फूल वाली शॉप थी, तो उन्होंने इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी तो मैंने सोचा कि उन्हें इसकी पिक की ले ली। और ये होटल था सामने और होटल में उन्होंने टेडी बियर लगाए हुए थे, तो आलिया मैडम कहती है जी मैंने पिक्स बनानी है, सारे लोग इसके साथ पिक्स बना रहे थे। तो ये जी चलते 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 जी इसके बाद जो है हम ज़्यादा थक गए थे और फिर हमने फैसला किया था कि अभी हम जो है ना वो वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी हम वापस आने के लिए ट्रेन में बैठ के थे, हाँ जी हम आ गए जी शॉपिंग करके, हाँ जी आलिया मैडम क्या क्या लेके आई हैं जरा जी अनबॉक्सिंग करने चलें जी। आप इसके ये देखिए जी आलिया मैडम लेके आई है अपने लिए सामान, क्या क्या इधर रखो इधर सामने रखो। अच्छा जी ओके नेक्स्ट वाओ दिखाओ मैं देखू। हाँ जी वाओ कैट वाली पेंसिल है, ये स्लाइम है, ये स्लाइम ले गए हैं जी, इसका एक कंपटीशन होगा आलिया और पापा के दरमियान में, वो बाद में करेंगे, चलो साइड पे रखो स्लाइम को। नेक्स्ट यस ये देखे कितना प्यारी चिकन है। अंदर है वो एग, ये चिकन बाहर है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, वो मामा है, वो वाली बिग वाली मामा हैरी, ये बिग वाली हैरी है, ये बच्चे है, ये चलो साइड पे करो बच्चे है और क्या ये मामा है। यस ओके वाओ बस्ता हाँ नीचे रखो, इस साइड पे रखो ना चॉकलेट, इधर रखो सामने रखो। अच्छा जी ये दोनों चीजें भी आई हैं जी, खाने का सामान, ओह माय गॉड हम तो इसको भूल ही गए थे। अच्छा जी ये बन्नी भी लेके आई है, ये बन्नी है कैट है, ये कैट है बन्नी कैट है ओके जो भी है कैट है, ये बन्नी है, ये भी लेके आई है। अच्छा आलिया कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मुझे खोलूंगा कैसे बनना है। ओके ओके ये फर्स्ट खोलो डीप ओके
जल्दी जल्दी खोलते हैं। वाह, या इट्स अ बनी, शो मी। ये ऐसे हो सकती है। यस, अभी तोड़ दे मेरा बच्चा। बनी बनी बनी, ये स्लाइड खोलूंगा। हाँ जी, ये मुझे खोलूंगा वो तब, एंड हम देखें उसकी के और ना। ओके।